हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी और उसमें पुनरावर्तन 2 उसका अभ्यास करेंगे। पाठ्यपुस्तक के अंदर पुनरावर्तन 2 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वह सभी प्रश्न स्वाध्याय पोथी में भी हैं। तो मैं आपको यह पुनरावर्तन 2 पाठ्यपुस्तक में न समझाकर स्वाध्याय पोथी में समझाऊंगी, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित परिच्छेद के आधार पर पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। यहाँ पर आपको एक परिच्छेद दिया गया है जिसमें समय के महत्व के बारे में लिखा गया है कि समय है वह बहुत कीमती है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता, इसीलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। इस परिच्छेद में समय के बारे में कहा गया है कि समय है वह बहुत कीमती है और वह धन से भी कीमती है, क्योंकि जो हमारा धन है वह कभी लूट जाए या चोरी हो जाए तो हम उसे मेहनत करके वापस कमा सकते हैं, वह धन वापस ले सकते हैं, पर जो बीता हुआ जो समय है, जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं लौट सकता। इसी तरह जो हमारा बचपन है वह बीत चुका है और हम बड़े हो गए हैं तो हम हमारे बचपन को वापस, उस समय को वापस हम नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरह समय है वह धन से भी अधिक मूल्यवान है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय के सदुपयोग करना के लिए, यानी समय का सदुपयोग करने के लिए हमें परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, और मेहनत करके ही हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस परिच्छेद में हमें 3 प्रश्न बनाने हैं। हम प्रश्न में से उत्तर बनाते हैं पर इसमें परिच्छेद में से हमें प्रश्न बनाना है। तो इस परिच्छेद के अंदर से 3 प्रश्न बनते हैं। 1, समय धन से भी अधिक मूल्यवान क्यों है? 2, समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है? और 3, समय का सबसे अच्छा उपयोग है वह क्या है? अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। यहाँ पर आपको विकल्प में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में कुछ सर्वनाम है, कुछ संज्ञा है और कुछ विशेषण है। हमें उसे छाट कर अलग अलग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में रखना है, जिसमें पहला है संज्ञा। तो हमें संज्ञा की पहले परिभाषा जाननी पड़ेगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई जगह का नाम हो तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इन शब्दों में पर्वत, नदी, सूरत, बाल, सपना, नर्मदा, भारत, ये जो शब्द है वह संज्ञा है। अब हम सर्वनाम देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो इन शब्दों में उसको, तुम्हें और हम, ये जो शब्द है वह सर्वनाम है, क्योंकि हमें जिस शब्द को बार बार प्रयोग न करना पड़े उसके स्थान पर हमें यह शब्द रखना पड़ता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यह सभी शब्द सर्वनाम है। अब विशेषण ढूंढना है। तो विशेषण की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण कहेंगे। तो इन शब्दों में विशेषण है मीठा, सुंदर, बड़ा और मेहनती। जो ऐसे शब्द है वह विशेषण यानी विशेषता बताते हैं, तो ऐसे शब्द को हम विशेषण में रखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 3। दिए हुए शब्दों को सही रिक्त स्थान में लिखिए। यानी आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको योग्य स्थान में, रिक्त स्थान में रखना है। पहला है, मोनिका खाना बना रही थी, तो हमें यहाँ पर मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी। 2, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ पर हमें ऊपर शब्द रखना है। 3, दिन भर यहाँ वहाँ देखा। 4, शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा। 5, काम अधिक करो बातें कम। और 6, बिल्ली अभी
बाहर निकल गई। तो यहाँ पर हमने इन विकल्पों में से कुछ शब्द है वह खाली जगह में हमें रखनी है। अब है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी संक्षेप में यानी छोटे रूप में आपको उसका उत्तर लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है कि आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। आपके परिवार में मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन ये सभी रहते हैं, परंतु आपके परिवार में आपको सबसे अच्छा, प्रिय और पसंद व्यक्ति कौन है, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। मेरे परिवार में से मुझे अपनी दादी जी सबसे ज्यादा पसंद है। दादी जी बहुत शांत और सरल स्वभाव की है। वे एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। वह घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती है। महापुरुषों की कहानियां सुनाकर वे मुझे भी उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए परिवार में मेरी पसंद की व्यक्ति है वह दादी जी ही है। अब है प्रश्न नंबर 2। आपकी पसंद की कोई फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में उसकी कहानी लिखिए। यानी आपको कोई फिल्म पसंद है तो उस फिल्म का पहले आपको नाम लिखना है और उसकी कहानी है वह संक्षेप में यानी छोटे रूप में आपको 10 से 11 लिटी के अंदर यानी लाइन में आपको यहाँ पर जो जगह दी गई है उसके अंदर आपको संक्षेप में लिखना है। तो हम लिखेंगे कि मेरी पसंद की फिल्म है तारे जमीन पर। इसमें 10-12 साल का यानी वर्ष का एक विद्यार्थी या छात्र है, उसको स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं है, यानी उसे स्कूल में पढ़ाई करना पसंद नहीं है। चित्रों के प्रति उसका अधिक आकर्षण है, यानी उसे चित्र बनाना अधिक पसंद है। अध्यापक उस विद्यार्थी की चित्र के प्रति रुचि देखकर उसे चित्र बनाने के लिए देता है और शिक्षक है उस विद्यार्थी को देखता है कि उसे चित्र बनाना अधिक पसंद है तो उसे चित्र बनाने के लिए देता है। धीरे धीरे चित्रकला में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है, यानी धीमे धीमे देखते हैं कि उस विद्यार्थी को चित्रकला बनाने की जो उसकी एकाग्रता है यानी इच्छा है बढ़ने लगती है और बाद में वही इच्छा से वह पढ़ाई में भी पढ़ने लगता है यानी पढ़ाई भी करने लगता है। तो पहले उसे चित्र बनाने का शौक था और पढ़ने का शौक नहीं था, परंतु धीमे धीमे पढ़ाई में भी उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। बाद में इसी एकाग्रता का उपयोग पढ़ाई में कर वह एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। अब है प्रश्न नंबर 3। यदि सूरज न निकले तो क्या होगा। तो इसमें हमें उसका उत्तर लिखना है कि यदि सूरज नहीं निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का जो कलरव यानी आवाज है वह सुनने को न मिलता। धरती पर प्रकाश भी न होता। जब सूरज नहीं निकलता तो प्रकाश कहाँ से होता। धरती पर अंधेरा ही छाया रहता। धरती पर वनस्पति मुरझा जाती। फूल फल पर बुरा असर पड़ता। सूरज न निकलने पर वर्षा भी नहीं होती। खेतों में फसलें नहीं लहलहाती। जब जल और अन्न ना होता तो यह जीव सृष्टि भी नहीं होती। इसके बाद है 4th प्रश्न। यदि मैं गांव का सरपंच होता तो इस विषय पर संक्षेप में निबंध लिखें। यानी यदि मैं गांव का सरपंच होता तो मैं अपने गांव के लिए क्या क्या सुविधाएं करता, इसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। संक्षेप यानी छोटे रूप में लिखना है। यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मेरे गांव की यह हालत नहीं होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़कें हैं, न जल की आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, न स्कूल है और न दवाखाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं सरपंच होता तो गांव को शहर से जोड़ने वाली एक सड़क पक्की सड़क बनवाता। गांव में कुओं की जगह नल कूपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती। गांव में हाईस्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत की ओर से एक दवाखाना होता। गांव में भवानी मंदिर का अब तक पुनर्निर्माण हो गया होता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल देता। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर पुनरावर्तन 2 में स्वाध्याय पोथी में जो भी प्रश्न थे वह सभी प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। आपको इस पुनरावर्तन 2 को अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से होमवर्क में लिखना है।